दिखाई दे रही ये तस्वीरें किसी पहाड़ी इलाके की नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो जिलों मेरठ और बिजनौर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क में से एक सड़क है। और बीचों बीच सड़क पर ये जो गड्ढा देख रहे हैं, ये काईनुमा गड्ढा अक्सर दोनों जिलों के बीच व्यवधान बन जाता है, जो गंगा नदी में थोड़ा सा भी तेज बहाव आने पर दम तोड़ देता है। दरअसल ये पूरी तस्वीर मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र की है, जहां मेरठ को बिजनौर से जोड़ने वाली इस रोड पर बने पुल को जोड़ने वाली सड़क का हिस्सा गंगा में तेज बहाव से धंस गया। बिजनौर और जो हस्तिनापुर को जोड़ता है, वहां पे एक पुल था जिसका विगत वर्ष में अप्रोच रोच करने की वजह से वहां पे आवागमन बंद हुआ था। इसमें जो ऑलरेडी एस्टिमेट दिया हुआ था, उसके अतिरिक्त PWD द्वारा रिवाइज्ड एस्टिमेट भेजा गया था जो पेंडिंग है, जिसमें बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य और जो भी उसका सेफ्टी अप्रिंट बाकी चीज़ें हैं वो बनना है, पर इसमें ऑलरेडी परियोजना में विलंब हुआ था, जिसकी एक सतर्कता जांच चल रही है और विजिलेंस जांच चलने की वजह से अभी तक उसके रिवाइज एस्टीमेट पास नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो अप्रोच रोड के लिए सुरक्षा का कार्य है वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से अभी फिर इस बार बारिश में वो अप्रोच रोड कटी है, तो हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी पत्राचार किया है विभाग से और रिक्वेस्ट भी की है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका पैसा सैंक्शन करके इसकी अप्रोच रोड पे जो भी इसका प्रोटेक्शन वर्क है वो करवाएं, अन्यथा की दशा में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो ये मैटर ऊपर चल रहा है, होपफुली जल्दी से जल्दी वो पैसा स्वीकृत हो जाए और हम इसका आगे का प्रोटेक्शन वर्क कर लें। फिलहाल पुल पर बने इस अप्रोच को धंसने के बाद प्रशासन ने पुल को दोनों तरफ से वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दिया। बताते चले कि पहाड़ों पर कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे ये सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इस अप्रोच के धंसने का ये वाक्या कोई पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले पिछले साल भी गंगा नदी में पानी का बहाव तेज होने के बाद ऐसा ही एक वाक्या सामने आया था। खबरों के मुताबिक इस पुल की नींव बसपा सरकार के दौरान रखी गई थी और ये पुल 2.5 साल पहले ही चालू हुआ था। इस पुल के लिए जो रोड बना था उसके दोनों ओर कटान को रोकने के लिए पत्थर अभी नहीं लगे थे। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही रोड को ठीक करा दिया जाएगा।